अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए हम आधा किलो बोनलेस चिकन लिए हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई की हुई, एक छोटी कप हम भुना हुआ चने का आटा लिए हैं, एक छोटी कप हम हरी मिर्ची का पेस्ट, एक छोटी कप हम अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर हम लिए हैं एक चाय का चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। पहले हम इन सबको मिक्स करके अच्छे से इसे पीस लेंगे बारीक में ही। इन सबका हम अच्छे से महीन बारीक पेस्ट बना लेंगे। सारा हमारा गोले का बैटर पीस के तैयार कर लिए हैं अच्छे से। इसमें हम एक छोटी कप तेल ऐड कर रहे हैं, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसे भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम एक छोटी कटोरी रख के कोयले का धुआं देंगे, कोयला भी हम जला के रख लिए हैं। थोड़ा सा हम इस पर तेल ऐड कर रहे हैं, इसे फॉइल पेपर से अच्छे से एक घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे। एक घंटा हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे, कटोरी को भी हम साइड पे कर देंगे। चलिए हम देखिए इस तरीके से हम गोला लेके बना के हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चमचे से ही बना सकते हैं। सारे कबाब हमारे बनके तैयार हो गए हैं और फ्राई करने के लिए हम तेल भी गर्म कर लिए हैं। चलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे पहले, दूसरा स्टेप हम बाद में बताएंगे फ्राई करने के बाद। आराम आराम से हम पलट लेंगे। ये कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि पहले हम तेल गरम कर लेंगे अच्छे से। तेल हमारा गरम अच्छे से हो गया, इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रहे हैं, हम हल्का फ्राई करेंगे ज़्यादा नहीं। प्याज हमारी हल्की फ्राई हो गई है, इसमें हम सारे अपने कबाब ऐड कर रहे हैं, इसे हम चलाएंगे नहीं, इस तरीके से हिलाएंगे इसे। 5 मिनट तक हम इसी तरीके से हिलाते हुए पकाएंगे इसे। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ ऐड कर रहे हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा गोला कबाब तैयार है, चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। गोला कबाब हमारा बनके तैयार है, एकदम सिंपल आसान सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।